और अब हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे बीच सुप्रसिद्ध साहित्यकार और स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय कोलकाता में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और वहां की एक संस्था साहित्य की भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता दुबे जी। मैं दीदी से आग्रह करूंगा वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर गीता दुबे, हमारा ये सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया है। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। सुनने से बहुत से लोग इससे सहमत होंगे कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर सकारात्मक पक्षों की बात करें तो अभी हम पर्यावरण की जो स्थिति देख रहे हैं, निश्चित तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपदा है वो पर्यावरण के लिए बहुत मतलब एक वरदान के सदृश है। अर्थव्यवस्था पर अगर ये कहर बनकर टूटी है तो पर्यावरण के लिए ये वरदान बनकर के आई है। फूल खिलने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, प्रवासी पक्षी लौट करके आने लगे हैं। भले ही प्रवासी मजदूरों की स्थिति दयनीय है, लेकिन प्रवासी पक्षी जो जिन्होंने यहाँ लौटना छोड़ दिया था भारत में, वो आ रहे। प्रकृति खुशनुमा हो चुकी है, सड़कों पर मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। भले ही वो मोर बीएचयू के प्रांगण में नाच रहे हों, लेकिन जब तस्वीरें साझा की जा रही हैं, तो साझा करने वाले लोग कभी उन्हें चंडीगढ़ में नाचते हुए दिखा देते हैं, कभी कहीं और। लब्बो लुआब यह है कि प्रकृति निश्चित रूप से सज सवर गई है, परिष्कृत हो गई है, नदियों का जल साफ हो गया है, प्रदूषण का स्तर कम गया है। हमारी जीडीपी रेट जो है वो जिस तरह से कम रही है, उसी तरह से प्रदूषण का स्तर भी कम रहा है। और प्रकृति शायद वैसी हो गई है जैसा कि छायावादी कवियों ने देखा था। चूंकि मैं साहित्य की हूँ, इसलिए मैं साहित्य के बिना अपनी बात कैसे कहूँ। तो पंत जिस प्रकृति को देख करके प्रसन्न होते थे, जिसके कण कण को देख करके उनका मन पुलकित होता था, और जब पंत लिखते थे कि छोड़ द्रुमों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं रोचन, तो प्रकृति उतनी ही खूबसूरत हो गई। लेकिन इसी के साथ प्रश्न ये है कि क्या हम प्रकृति के प्रदूषण का प्रदूषण मुक्ति का और उसके स्वच्छता का उत्सव मनाएंगे, या हम अर्थव्यवस्था पर भी बात करेंगे। दोनों ही बातें अपनी तरह से ठीक है। हम प्रदूषण मुक्त का उत्सव भी मनाएंगे, हम प्रसन्न भी होंगे, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम ठहर कर एक क्षण के लिए सोचने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे कौन से कारण थे। आखिर मानव की लिप्सा ने या मानव की विलास प्रियता ने उसे क्यों इतना अधिक निर्मम बना दिया कि उसने प्रकृति का दोहन करके उसे शत विशत कर दिया। तो इस कोरोना ने निश्चित तौर पर हमें वह अवसर प्रदान किया है जब हम एक क्षण के लिए ठहर करके सोचें कि प्रकृति आज जिस तरह से खिलखिला रही है, हंस रही है, प्रसन्न है, क्या हम इस समय यह नहीं सोच सकते कि आने वाले दिनों में भी हम प्रकृति को ऐसा ही बनाए रखेंगे, और तभी शायद हमारा भारतवर्ष सुंदर भी होगा और उन्नतशील भी होगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में विकास के मायने अलग होते हैं, और निश्चित तौर पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर या प्राकृतिक क्षेत्र में उसके मायने अलग होते हैं। तो हमें अगर विकास करना है तो दोनों ही क्षेत्रों में विकास करना है। लेकिन इस कोरोना काल में ये जो हुआ कि प्रकृति तो स्वच्छ हो गई, लेकिन मानव का इतना अधिक संहार हुआ कि मुझे अभी मैं जब सुन रही थी वक्ताओं को तो मुझे कामायनी की पंक्तियां याद आ रही थी। कामायनी की बिल्कुल आरंभिक जो पंक्तियां हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। तो क्या प्रकृति का ये विध्वंस है वो मानव को ऐसे स्तर पर पहुंचा देगा कि सिर्फ जल और हिम ही बचेगा,
और एकाध मानव ही बचेंगे। तो कामायनी की इस विनाश लीला के बाद की स्थिति में पहुंचने से पहले बहुत जरूरी है कि हम सचेत हो जाएं, और सचेत हो करके ये सीख लें, कम से कम कोरोना के समय हम ये शिक्षा प्राप्त कर लें कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और बचाने के लिए सिर्फ आंदोलन या मुहिम की जरूरत नहीं होती है, उससे प्रेम करने की जरूरत होती है। अभी मैंने देखा कि आज का ये जो वेबिनार कम सेमिनार था, उसके पहले पौधारोपण का भी एक संस्कार, एक प्रक्रिया शामिल थी। तो इसी तरह से मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और आजकल चूंकि जब पर्यावरण पर संकट छाए हुआ है, तो प्राय तमाम साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के पहले भी ये पौधारोपण अभियान होता है। तो हम इसे एक दिन का कार्यक्रम न बना करके, जिनके पास व्यवस्था हो, अब शहरों में रहने वाले लोग, छोटे छोटे फ्लैटों में रहने वाले लोग, जिनके पास न जमीन है न जगह है, वो कहाँ पौधा रोपेंगे, लेकिन जिनके पास अवकाश हो उन्हें पौधा रोपना चाहिए। मैं आपको, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं बंगाल से हूँ और थोड़ी बहुत स्थानीयता का आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर जब ये तूफान आया, अम्फान तूफान आया था, तो तमाम न जाने कितने लाख पेड़ उखड़ गए थे। प्रकृति का संहार जो कहते हैं, प्रकृति बदला ले रही है और प्रकृति खुद का भी संहार और विनाश कर रही है। तो तमाम पेड़ उखड़ गए और लगा कि कोलकाता की, बंगाल की जो हरियाली, बंगाल हरियाली के लिए जाना जाता है, वो हरियाली समाप्त हो जाएगी। फिर सरकारी परियोजनाएं आई, निजी स्तर पर प्रयास किए और फिर से प्रकृति को हरा भरा रखने की मुहिम में लग गए। तो ये जो मुहिम है वो कहीं राजनीति प्रेरित ना हो, हमारे अपने अंदर से उठ करके चीजें आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पर आऊं, तो प्रकृति मुस्कुरा रही है, लेकिन आम लोग जो हैं उनके होठों से मुस्कान गायब है, उनकी थालियों से अन्न गायब है। हम आत्मिक संतोष की बात करते हैं, अभी मेरे काफी पहले एक वक्ता बोल रहे थे कि हमें थोड़े में संतोष करना सीखना होगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत है तो हम थोड़े में संतोष करना सीख लेंगे, लेकिन जिनके पास सूखी रोटी भी नहीं है, उस सूखी रोटी के साथ खाने के लिए प्याज और नमक भी नहीं है, वो कैसे संतोष करेंगे और कैसे भूख से लड़ेंगे। मुझे महाश्वेता देवी का एक संस्मरण याद आ रहा है इस स्थिति पर। महाश्वेता देवी बंगाल की बहुत बड़ी लेखिका हैं और उनके नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो एक बार किसी गांव में गई थी और वहां उन्होंने देखा लोगों को, गांव के लोगों को, क्योंकि वो चावल खा रही और चावल में कुछ भी नहीं है, कोई सब्जी नहीं है, कोई दाल नहीं है, कुछ नहीं है, नमक और चावल खा रही है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप ऐसे खाली कैसे खा रहे हो चावल को, इसमें क्या सान करके खा रहे हो। तो उस मजदूर ने, उस ग्रामवासी ने उत्तर दिया, खीदे दिए मेखे भात खाची। मैं इसका अनुवाद कर रही हूँ, खीदे दिए मेखे भात खाची, यानी भात को मैं अपनी भूख के साथ सान करके खा रहा हूं। कितनी मार्मिक पंक्ति है कि जब हमें अपने भोजन के लिए 56 भोग की जरूरत भी कई लोगों को पड़ती है, और कई लोगों के लिए एक दाल और दो सब्जियों की जरूरत होती है, वहां एक आदिवासी व्यक्ति, ग्रामवासी व्यक्ति कह रहा है कि वो अपनी भूख के साथ भात को सान रहा है। यानी आम आदमी के पास, जो पिछले बिल्कुल निचले स्तर पर खड़ा हुआ जो आदमी है, उसके पास इस अर्थव्यवस्था की जो टूटन हुई है, कोरोना का जो प्रहार हुआ है, मैंने एक शीर्षक पढ़ा अभी एक अखबार में कि कोरोना का कहर अर्थव्यवस्था पर। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के पर जो कहर बनकर के टूटा है, वहां आम आदमियों के पास भूख के सिवाय और कुछ नहीं बचा है। और इसमें सबसे अधिक जो लोग प्रभावित हुए हैं, उन प्रभावित होने वालों में एक तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो बिल्कुल हाशिए के लोग हैं, जो एक रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं, रोज खट्टा, और मैं बड़ा बाजार यहाँ का एक अंचल है, वहां पे मजदूर काम करते हैं। वहां जब कभी आप गुजरिए तो देखा जाएगा कि दोपहर के क्षणों में जो परिश्रम से थके हुए मजदूर हैं, वो अपनी झांपी में, बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें वो माल ढोते हैं, उसी टोकरी में वो आराम कर लेती हैं, सो जाती हैं। रिक्शा वाला घड़ी का विश्राम कर लेता है। यानी इनमें से बहुत सारे लोगों के पास शायद घर नहीं हो रहने को। और इस लॉकडाउन से जो हुआ, कोरोना ने दहशत फैलाई और लॉकडाउन ने जिस तरह से लोगों को रोक दिया, एक जगह पर बंदी कर दिया, कि उनके लिए अपनी भूख से लड़ना, अपनी आर्थिक परिस्थितियों से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और अब अगर हम बात करें भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था को हम दो
भागों में बांट लेते हैं। एक है हमारा जो एक भाग है वो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे शहरों में मजदूरी के लिए जाते हैं, सड़क किनारे छोटा मोटा व्यवसाय करके जीविका चलाने वाले लोग हैं, और इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर है वो बिजनेस सेक्टर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम उसे कह सकते हैं, जो उत्पादन के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। लॉकडाउन ने क्या किया, फैक्ट्रियों को आनन फानन में बंद किया गया, दुकानें जो गैर जरूरी चीजों की थी, जरूरी चीजों की तो दुकानें खुली रह गई, लेकिन गैर जरूरी क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग थे उन पर बहुत ज्यादा गाज गिरी, प्राइवेट क्षेत्र में छटनी हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग ये सोचने लगे विलासिता के लिए तो स्थान ही नहीं बचा और विलासिता के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं बची, लेकिन जो रोज खटने खाने वाले लोग थे उनके लिए अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हुआ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो संकट आया, मजदूरों को अगर हम छोड़ दें या फिर रोजमर्रा काम करने वालों को हम छोड़ दें, तो हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, हमारे भी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भारत को मिडिल इनकम ग्रुप का देश माना जाता है, तो ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए एक समस्या ये थी कि उसे अपना बाहरी आवरण यानी जो बाहर उसका सम्मान है उसे भी बचा करके रखना है, उसे टैक्स भी देना है, उसे सीएम पीएम फंड में योगदान भी करना है, और उसे सारी चीजों को बचाते हुए अपनी जीविका भी चलानी है, अपने रिश्तेदारों की मदद भी करनी है। अब ये जो वर्ग है वह कहीं जा करके खड़ा नहीं हो सकता, वो राशन की लाइन में जा करके खड़ा होकर के वहां से अनुदान नहीं ले सकता, और हमारी जो प्रधानमंत्री योजना में जो अनुदान आया 107 लाख का, जो 7 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, वो इसमें इस मिडिल क्लास का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो जिन लोगों पर हम देख रहे हैं कि रेलवे मजदूरों पर या दूसरे दूसरे जगहों पर गाज गिरी, लेकिन इस मिडिल क्लास पर गिरने वाली गाज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और शायद यही मिडिल क्लास है जिनमें से बहुत सारे लोग, आप रोज अखबार पढ़िए, रोज टीवी के चैनल देखिए, तो वहां पर आत्महत्या करते हुए लोग दिखाई देते हैं। बहुत बुरी स्थिति है कि या तो आप कोरोना से मरिए, या तो कोरोना की दहशत से मरिए, या भूख से मरिए, या फिर सम्मान रक्षा के लिए आप मर जाइए, कि आप किसी के पास हाथ नहीं पसार सकते हैं इसलिए आप अपनी जान ले लीजिए। तो इस अर्थ संकट ने लोगों को विक्षिप्त किया है, और इस अर्थ संकट को देखते हुए ये कलयुग ही चल रहा है, और कलयुग पर तुलसीदास ने अपनी कवितावली में कलयुग का जो वर्णन किया है, उस स्थिति की याद, उन पंक्तियों की याद बरबस हो जाती है। मैं आपसे भी साझा करना चाहूंगी, कवितावली में तुलसीदास ने लिखा, खेती न किसान को भिखारी न भीख, भिखारी न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहां जाई काकरी। तो यही स्थिति है भारत के मिडिल क्लास की, या लोअर मिडिल क्लास की, या लोअर क्लास की, कि जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। हालांकि तुलसीदास कहते हैं कि खेती न किसान को, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी अस्मिता को, हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत बचा करके रखा है तो खेती ने बचा करके रखा है, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन नहीं हुआ है, वहां पर लोग अपने खेतों में जा रहे हैं, मजदूर मिले, अगर मजदूर मिल रहे हैं तो वो काम करवा रहे हैं, जिनके घर में शारीरिक बल है अर्थात लोक बल है, लोग हैं, वो अपने लोगों से काम करवा रहे हैं, लेकिन जिनके जिनका काम सिर्फ मजदूरों से चलता है वहां पर खेती पर भी गाज गिरी है, खेती भी नहीं हुई है। तो इससे स्थिति ये है कि सीएमआई की एक रिपोर्ट है, अभी हमें मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, तो ये सारे जो बेरोजगार लोग हैं वो कहां जाएंगे। बहुतों ने क्या किया, कोई दूसरा व्यवसाय अपनाया। अगर आप इन दिनों बाजार में निकलें तो शायद मेरी तरह आपकी भी अनुभूति होगी, बहुत सारे नए चेहरे दिखाई देने लगे, यानी जो लोअर क्लास के लोग थे या लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, यानी जो चेहरे कभी सब्जी बाजार में सब्जी बेचते हुए नहीं दिखाई देते थे वो सब्जी बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरा सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं, यानी लोगों ने अपने स्तर पर इससे लड़ने का एक रास्ता निकाल लिया है।
अर्थात जो सरकारी अनुदानों के भरोसे बैठने वाला वर्ग नहीं है, उसमें जो संघर्षशील लोग हैं जिन्हें हर हालत में अपनी जान बचानी है, उन्होंने इस संघर्ष से उबरने का एक रास्ता निकाला है। एक उदाहरण मैं आपके साथ साझा करूंगी। बंगाल की एक बहुत चर्चित गायिका है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपने इस दौरान देखा कि स्टेज शो बंद हो गए, कार्यक्रम बंद हो गए। एक दिन टीवी पे मैं रिपोर्ट देख रही थी कि उन्होंने क्या किया है, बहुत चर्चित थी लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम नहीं थी, ये भी मैं जोड़ दूं। उन्होंने एक चौरास्ते पर, बहुत ज्यादा लोग वहां से गुजरते हैं ऐसे चौरास्ते पर, छोटी सी दुकान सड़क पर लगा ली है जहां वो दूध बेच रही हैं, पाव रोटी बेच रही हैं, बिस्कुट बेच रही हैं। अर्थात ऐसे लोगों ने एक रास्ता अपने निकाला ताकि वो इस संघर्ष से उबर करके निकल आए। लेकिन इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसा नहीं कर सकते, जिन्हें लगता है कि हम सड़क पर बैठकर सामान कैसे बेचेंगे। तो यहाँ जो झूठा दंभ है या झूठी प्रतिष्ठा का जो प्रश्न है, वो कई बार आपकी जान ले लेता है। तो आज के समय में हमें सबसे पहले अगर बचने की जरूरत है तो इस झूठी प्रतिष्ठा से बचने की जरूरत है, तभी हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और एक क्षण के लिए ये भी सोचने विचारने की जरूरत है, या हो सकता है आने वाले समय में इस पर बहस हो, कि ये जो लॉकडाउन हुआ और जितने आनन फानन में हुआ, कह सकते हैं कि लोगों को न सोचने का मौका मिला, न संभलने का मौका मिला, न अपने परिवार वालों की सुध बुध लेने का मौका मिला। अगर ये शायद इतने आनन फानन में नहीं होता तो अर्थव्यवस्था कहें, मानसिक स्थिति कहें, स्वास्थ्य कहें, सामाजिक बिखराव कहें, शायद, मैं शायद शब्द का प्रयोग कर रही हूं क्योंकि फिलहाल दृढ़ता के साथ कुछ भी कहना संभव नहीं है, ये तो भविष्य बताएगा और भविष्य के विचारक बताएंगे, तो शायद इतना अधिक बिखराव नहीं आ पाता। क्योंकि देखिए, अगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ तो बीमारी तो पूरे जोर शोर से अब भी जारी है, वैक्सीन का कहीं कोई अता पता नहीं है, तमाम घोषणाओं और दावों के बावजूद। और वैक्सीन आ भी गई तो आम लोगों तक उसकी कितनी पहुंच हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो आज जो देश का आम आदमी है, हाशिए पर जीने वाला आम आदमी है, उसकी स्थिति सच में बहुत अधिक भयानक है। मैं वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार पूजा मेहरा का एक कोटेशन यहाँ पर उद्धृत करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था का 50% जीडीपी अनौपचारिक क्षेत्र से ही आता है। कच्चा माल खरीदा नहीं जाएगा और बेचा नहीं जाएगा तो लोगों की कमाई अपने आप बंद हो जाएगी। तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, मांग और आपूर्ति, इन तीनों के बीच का जो संतुलन था वो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। उत्पादन बंद है, मांग है नहीं, यानी मांग है तो किसकी है, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, बेसिक नीड्स जिसे हम कहते हैं, रोटी जिसके बिना चल नहीं सकता, जिसके बिना आम आदमी जी नहीं सकता, तो पेट की भूख को मिटाने के लिए सामान आदमी खरीद रहा है, लेकिन दिमागी विलासिता के लिए सामान वह नहीं खरीद रहा है। और जो खरीद भी रहा है वो एक ऐसा वर्ग है जो कि सिर्फ उसी जीवन में जी रहा है और जिसके लिए उस विलासिता से उबरना बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन वो उबरेगा नहीं। तो हमारे देश में फिलहाल जो स्थिति है, इसमें खबरों में भले ही ये हो कि मुकेश अंबानी जो है वो चौथे सबसे बड़े अमीर बन गए और उसके बाद दुढ़क कर वो छठवें पायदान पे आ गए, लेकिन जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में बदल रहा है, लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास में बदल रहा है, और लोअर क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी के अभाव में कुपोषण के कारण दम तोड़ रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है, वो निरंतर गिरती जाएगी। एक अनुमान के तहत 2021 में पहले ये दर लगाई गई थी कि 7% होगी ये दर, उसके बाद वृद्धि दर 6.5 पर आई, और अब हमारे विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि यह 2.5 अर्थात 2.5 पर आकर के टिक जाएगी। तो इस अर्थव्यवस्था के संकट से कैसे निपटना है, ये कैसे जूझना है, यह तो बड़े बड़े विचारक मिलकर के तय कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगी कि तालाबंदी का जो कार्यान्वयन हुआ या उसके बाद बहुत सारी चीजें झटके से खुली न खुली,
इसको लेकर के भी बहुत सारे विचारणीय प्रश्न हैं जिन पर कालांतर में विचार होना चाहिए। और अगर मैं गिनाने चलूं तो छोटे घरेलू उद्योग, सैलून चलाने वाले, पार्लर चलाने वाले या फिर छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाने वाले, छोटे दुकानदार, हॉकर्स, सड़क पर को पर कपड़ा बेचने वाले। आज ही मैं सुबह टीवी पर समाचार सुन रही थी कि बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत बड़ी खरीदारी होती है। लोग पहला बैसाख से, अर्थात जो बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, यहाँ खरीदारी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बाजार सारे सुनसान हैं। दुर्गा पूजा में 1.5 महीने बाकी है, बाजारों में खरीदार नहीं है। आप कहाँ से खरीदेंगे? आपके पास अगर धन होगा तो आप अपने पेट की भूख शांत करेंगे या फिर आप इलाज पर धन खर्च करेंगे। आपकी जो बचत है और व्यवसाय की जो पूंजी है, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है जिसका कामकाज बंद है, वो कैसे खा रहा है? या तो अपने व्यवसाय की पूंजी को तोड़ करके खा रहा है, और या फिर वह अपनी बचत को समाप्त कर रहा है। और इसके बाद अगर आप अस्पतालों के चक्कर में पड़ गए, यानी कोरोना आपको हो गया और उसके इलाज के चक्कर में अगर आप पड़ गए, तो समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। तो एक बड़ी ही असहज स्थिति से, असहज दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति जिसे उबरने में शायद हमको एक लंबा समय लग जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत तो बनाए रखनी होगी, हिम्मत तो टूटने नहीं देना है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि हम लोग जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो हैं पीएमसीएम फंड में दान देते हैं और उसकी बहुत चर्चा होती है। मेरे पास एक बहुत सुंदर संदेश किसी मित्र ने भेजा था, आज मैं उसे आपके साथ भी साझा करना चाहूंगी कि अगर हमें देखना है, अगर हमें किसी को संकट से निकालना है, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे नाते रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना पीएम फंड से कोई अनुदान मिल पाएगा, ना सीएम फंड से मिल पाएगा, ना किसी सरकारी गैर सरकारी परियोजना से वो लाभान्वित हो पाएंगे। तो अगर हमें अपनी सहायता का हाथ बढ़ाना है तो हमें उनकी ओर बढ़ाना चाहिए, जो शर्म से किसी के सामने मुंह नहीं खोल पाएंगे, भले ही वो भूख से मर जाए। तो फिलहाल इस स्थिति में हमें अपने मानस को उदात्त और उदार दोनों ही बनाने की जरूरत है, लोगों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और जो घरेलू कामगार हमारे घरों में रोज आते थे हमारे श्रम के भार को हल्का करने के लिए, और आज तमाम लोग बौखलाए हुए हैं कि उन्हें घरों में बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ वो यह भी कह रहे हैं कि 3 महीने 4 महीने से नहीं आए हैं वो कामगार, तो उन्हें पैसे दिए जाए या नहीं दिए जाए, दिए जाए तो क्यों दिए जाए। तो उन सभी से अनुरोध है कि उन सबके प्रति भी उदार बनिए और उनकी भी असुविधा का ध्यान रखते हुए उनके प्रति भी सहायता का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसमें आर्थिक पैकेज मिलेगा, बजट आएगा, करों में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब ये सारे सवाल तो अपनी जगह हैं। फिलहाल हमें अपने परिवेश से, जैसे पर्यावरण हमारा शुद्ध और स्वच्छ हो गया है, उसी तरह हमें अपने समाज को भी स्वच्छ और शुद्ध करने की आवश्यकता है। सबसे स्नेह का संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, सहानुभूति किसी साथ नहीं या दया के साथ नहीं, स्नेह के साथ जुड़ना है, लोगों के साथ जुड़ करके उनकी स्थिति को समझ करके जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, भले उसके लिए हमें आयकर में छूट मिले या न मिले, या हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में आए या ना आए। आप लोगों ने धैर्य से मुझे सुना, एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद, और आगे भी आप लोगों को सुनती रहूंगी, अच्छा लगेगा। सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।